नमस्कार मंतव्य को स्वागत करछि मिनुलिमा। राज्य रे हुए माडी चली छि कोरोना, जे पर्यंत प्लाटो स्टेज न आसीबो से पर्यंत आपरे मध्ये रोक लागि परिबो नाही बोली जा स्वास्थ्य निर्देशक सूचना देउछंती। अन्य पटे डब्ल्यूएचओ रो चेतावनी कि जदि आमे एबे थारु आपरे रोक न लगाइबा बा ए चेन को ब्रेक न करबा ताले आगो को जो नुवा वेरिएंट आसीबो एवं आदर लोके जो भली भाबरे प्रभावित हबे तापरे सेतेबेले कंट्रोल करबा मते बेस कष्टदायक। अन्य पटे जदि रखिबा राज्य रो स्थिति को दैनिक संक्रमण वर्तमान 5000 मुहा एवं जहा कह जाउछि कि चलित मासर शेष सप्ताह बा आसंता मासर प्रथम सप्ताह होय तो पीक पारे, तेणु मोटामोटी जदि आमे देखिबा स्थिति बे संगीन होउछि। कारण एबे भी आउ एक प्रकार स्टडी सामना को आसुछि कि जो माने प्रथम लहरे मते पॉजिटिव हेतले बा सेकंड पर्याय रे मते सेकंड वेव रे मते पॉजिटिव होइतले से माने ई ओमिक्रॉन द्वारा पूर्ण तरह मते पॉजिटिव होतुवा सामना को आसछि खबर। तेणु ई संपर्क रे हमरा आलोचना हम सेत रहिबे हम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती बा हम सेत मते कि समय पर फोन लाइन रे जोडिबे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर रामचंदानी। प्रथमे दिव्य आपन पाखु जिबा पई चाहिबी, राज्य रे जो भली भाबरे संक्रमण दिनकु दिन वृद्धि पाइबा लागिछि बो लंबा देखंतु विगत किछि दिन भीतर जति हम देखिया प्राय तो 1200 1300 बा 1400 भीतर रहुतला, किंतु हठात किना देखिबा को जति देखिबा संक्रमण 5000 मुहालानी एबो पीक स्टेज रे वर्तमान जा कह जाउछि कि हुए तो फेब्रुअरी प्रथम बा जनवरी मास शेष आडू को पिक हो, किंतु ए सिचुएशन लागु छि जेंति ऑलरेडी पीक आसी गलानी। त मोट उपरे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोन कहउछन्ति, स्वास्थ्य निर्देशक कोन कहउछन्ति, स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कोन नुवा गाइडलाइन जारी करा जाउछि एने। देखंतु गत दुई दिन तुलन में आज जो परिसंख्यान आसी राज्य संक्रमण टिके आश्वस्तिकर रही, कारण गत दुई दिन हम जो भाई हजार पाखापाखि दिन को संक्रमण बढ़ुला तो आज से टे रोक लगे आज 100-200 भितर संक्रमण बढ़ी अधिक हो गत दिन तुलन में जहाँ कुछ गोटे आश्वस्तिकर खबर बोली कहुची, किंतु आपको लेकर क्योंना क्यों लोक मैंने जो खामख्याल होती नहीं चिंता प्रकट कराऊँ। आज जनस्वास्थ्य निर्देशक हूँ बा स्वास्थ्य निर्देशक हूँ समस्त आज पूरा क्लियर कट कही लोक मैंने जमीक अवज्ञा करोड नियम को पालन करूना क्यों क्योंकि यह आगामी दिन में आमपाई गोटे बड़ विपद आनीदेव राज्यपाई। आप देखु प्रथम लहर द्वितीय लहर समय जो भाई ओडिशा प्रभावित होता ओडिशार अनेक क्षयति होता एक आप जानते से समय स्वास्थ्य भित्तिमि को नहीं अनेक गुड़े प्रश्न सृष्टि होता और आमर स्वास्थ्य भित्तिमि से सुदृढ़ ना एक समस्त जानते जदि एका सांगे गोटे दिन को 40,000 संक्रमित चिन्हट हे तेल ट्रिटमेंट करवा जदि ता भितर 10% भी जाऊँच मेडिकल ट्रिटमेंट करने आम पाखे से भित्तिमि ना तो से दृष्टिकोण आज स्वास्थ्य निर्देशक स्पष्ट भाव में कहते जे लोके माने आतंकित होबार वर्तमान समय आसी लोक माने आतंकित हुवंतु यदि लोक माने आतंकित न होउछंती याकु खामख्याल होर नेउछंती जेमति कि गणमाध्यम प्रचार चली ओमिक्रॉन एते क्षयति करूना बा ओमिक्रॉन द्वारा अधिक लोक मेडिकल जाऊना तो से लोक मैंने हाल्का भाव नहीं जाइंट लोक मैंने कोविड नियम को अनुपालन करूना जहाद्वारा नुआ वेरिएंट सृष्टि होबार चांसेस रही डब्ल्यूएचओ स्पष्ट भाव कही सारी जे ओमिक्रॉन वेरिएंट रे जदि अधिक रु अधिक लोक संक्रमित हेबे या द्वारा नुआ वेरिएंट जन्म नेबो जमीक आप जानते बर्तमान डेल्टा क्रॉन गोटे नुआ वेरिएंट आसी जहाँ कह डेल्टा और ओमिक्रॉन रो मिक्सअप रे एही नुआ वेरिएंट सृष्टि होइछि। निहाती भाव समस्त सचेतन होवार समय बर्तमान आसी जदि लोक मैंने सचेतन नहबे तेल संक्रमण संख्या आहरी बढ़ा आप जानते आज 28 ओमिक्रॉन आक्रांत नुआ चिन्हट होती आज राज्य में प्रथम थर पर 100 पार कर संख्या निहाती भाव में गोटे पटे संक्रमण बढ़ुची ता सहित ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या बढ़ुची जदि यहाँ रोक लगान जाए जदि लोक मैं कटक भितर न रखा जाए तो क्यों ना क्यों आगामी दिन में आमपाई गोटे बड़ चैलेंज हे जो आज मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक ने आज संध्या 5:30 समय समीक्षा बैठक रही राज्यर मुख्य शासन सचिव स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर और ता सहित स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी मैंने उपस्थित रहिबे जे किभली मुकाबला गत काली मुख्य शासन सचिव समस्त जिलापाल सहित बैठक करते जो निर्देश दिखाई जे किभली भाव में मेडिकल भित्तिभूमि को अधिक दिगरे सजड़ा जीव एवं जो पेशेंट आसुच्च अण कोविड संक्रमित जो रही गुरुत्व दिजिव प्रथम लहर द्वितीय लहर समय एमती अभोग आसला जे कोविड पेशेंट मानक छाड़दे अण कोविड पेशेंट मैंने मेडिकल आसुच्च सठिक चिकित्सा मिलूना तो बर्तमान से दृष्टिकोण जितेबाला आक्टिव केस बढ़ुच्च राज्यर एवं अनेक लोक मेडिकल जाऊँ जदि अपडेट आप देखिए पाखापाखि 20% लोक बर्तमान मेडिकल जाऊँ एक सामना को आसी राज्यर 20% आईसीयू और भेन्टिलेटर बर्तमान धीरे धीरे फिलअप होता आसूँ अपडेट तो से दृष्टिकोण अधिक ऑक्सीजन बेड ता भेन्टिलेटर ए सब कुछ प्रस्तुत रखापी गत काली मुख्य शासन सचिव समस्त जिलापाल निर्देश देते सहित अण कोविड रोगी मान चिकित्सा क्षेत्र जमी अबड़ा न हो से निर्देश दिखाई यार भितर आउ गोटे अपडेट मुझे कही रखा चाहूँगी केन्द्र सरकार समस्त राज्य मानक चिठी लिखिं जो थे कही कि भाव में आप चिकित्सा करेंगे किभली भाव में अधिक रु अधिक लोक ट्रिटमेंट दि जापर से जो मैंने चतुर्थ और पंचम ब्याच्र एमबीबीएस स्टूडेंट से कार्य नियोजित कर
प्रत्येक कोविड केयर सेंटर को आहुरी मजबूत करा जाऊ, सेठार ऑक्सीजन बेड ठू आरंभ कर विभिन्न सरंजाम रखा जाऊ, ता सहित जो माने वरिष्ठ डाक्तर माने अछंती जो मानकर रिटायर नै सालेनी बा तांकर कार्यकाल सरीगलानी से मानको पुन थरे कार्यक्रम लगा जाऊ, तांकु ए दायित्व दिया जाऊ जे से माने आसीकर चिकित्सा करिवे। निहाति भावे दिव्य जी कह मोट उपरे सरकार संपूर्ण प्रस्तुति करिसेंति तृतीय लहर मुकाबला करने जो पेसेंट आसवे गुरुतर रोगी हे से कोविड हूँ बा नन कोविड पेसेंट हूँ से ट्रिटमेंट कर गुरुतरप कर जोड़ी बर्तमान स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर रामचंदानी। डॉक्टर रामचंदानी आपको स्वागत कर आलोचना को। डॉक्टर रामचंदानी स्थिति बेस दिनक दिन संगीन होगा लगी कारण दैनिक संक्रमण जब आप देखिए दिनक दिन बढ़िया लगी खास कर आपंकर गोटे दृष्टिगोचर मुझे चाहिए संपर्क में मतामत नापी चाहिए कि किसी स्टडीज बा केस सामना को आसी जो मैंने फर्स्ट वेव कि सेकेंड वेव में पॉजिटिव होती वर्तमान से मैंने तृतीय वेव मैं थर्ड वेव पुणी थे मैं पॉजिटिव होवार संभाव मानने सामना को आसी से जदिओ डबल वैक्सीनेटेड मैंने वैक्सीनेसन से हो सारी डबल डोज नहीं सारी प्रिकॉशन नहीं सारी पूर्व कोविड रे पीड़ित हो सारी पुणी थे पॉजिटिव होती कि प्रकार मानने गोटे प्रकार मानने आशंका सृष्टि कर लोकों भितर देखु संक्रमित अर्थात कहते कि थरे कोविड रे जदि आपण भी आक्रांत हो सारी जिते आपण वैक्सीन नेले मध्य अनेक थर संभावना रही कि अनेक थर आपण हुए तो पॉजिटिव हो पारती संक्रमित हो पारती परिस्थिति सृष्टि हुए ताहले एटा बहुत कष्ट ही पड़े। डॉक्टर रामचंदानी कि संक्रमण को रोकवे कारण जमी आप देखते कहते कि जो मैंने वैक्सीन अलरेडी नहीं सारी डबल डोज नहीं भी सारी छमास पर्यंत तार वैलिडिटी रही छमास पर से मैंने तार प्रभाव आते रही से सरकार बुस्टर डोज कथा चिंता करूँ कथ एमती है प्रक्रिया जब एमती जारी रुए संक्रमण व्यापे ताहले केते दूर पसिबुल कि आप बुस्टर डोज ही दे पारे कारण देखो पर्याय क्रमे भी देवाक पड़ी से गोटे बड़ आह्वान ना तो कमी संक्रमण को रोक जा पारे देखो जो है म्यूटेशन हम जो संक्रमण हार बढ़ा मोटालिटी फैटिलिटी कमी जाए तो डेफिनेटली कहना चाहिए धीरे 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 आहरी पर घटे और नुआ भेरिएंट धीरे धीरे माइल्ड हो तो यह भितर सबुदिन कोरोना रही है कोरोना न जाए कहीं
बिल्कुल कारण जी नुआ नुआ म्यूटेंट सामना को आसुची जो कोविड रो बा कोरोना रो माने एक प्रकार रूप को सठिक भाव में आकलन करा बर्तमान स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने मत दे तेणु कोरोना रहिबो बा कोरोना केबे भी छाड़ी जीवनी सहित बचा को पड़ो आम सहित जोड़ी डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जोड़ी डॉक्टर साहू आपको स्वागत कर आलोचना को डॉक्टर साहू आग को भी केस आहुरी पड़ो जो पर्यंत प्लाटो स्टेज न आसी से पर्यंत संक्रमण में रोक आसी पारिबो नै बट प्लाटो स्टेज केबे आसिबो कारण देखंतु कुहा जाउछि कि जनवरी शेष बा फेब्रुवारी प्रथम सप्ताह पिक हे पारे किंतु वर्तमान रो त जो परिसंख्यान कहउछि कि एबे भी पिक रे रहिछि हठात किना लंबा डिया राज्य रे दैनिक संक्रमण 5000 मुहा आसी गेलाणी एबे जो आपण देखुछथि शिखर जिबार आरंभ तो चेष्टा देखिछथि माने कि जेंपि गोटे दि दिन भितरे आक्रांत संख्या द्विगुण हो जाए तो यहाँ आप देखिए प्लाटो यहाँ जस्ट आरंभ हो शिखर को चढ़ा जस्ट आरंभ हो तो मत भी जहाँ लगुच विशेषज्ञ मान अच्छा कहले कि आप भावतु जनवरी शेष कि फेब्रुवरी फर्स्ट रे फर्स्ट वीक ओडिशा शिखर में जीवा कथा आ साधारणतः थे शिखर को पहुंचले से प्लाटोटा आ तो जहाँ दि तीन सप्ताह रहिबो तो मार्च जाए जहाँ कोविड प्रभाव तो ओडिशा रे तो गंभीर भाव में देखा जीवो डॉक्टर साहू देखते वर्तमान अनेक कथा सामना को आसुची जो मैंने जमी पूर्व आलोचना करी डॉक्टर रामचंद्रानी सहित कि जो मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव मानने पीड़ित मानने कोरोन संक्रमित ही ऑलरेडी से रिकवर कर सारी से बर्तमान पुणी थे पॉजिटिव होता कथा सामना को आसी प्रथम द्वितीय आम जो कहे कि वैक्सीन नेबा द्वारा जो संक्रमण हार कम मोर्टालीटर हार कम कहे कि कहुच्छे कि 6 मास पर्यंत भैलीडिटी तार रोचे तेणु पुणी आउ थे बुस्टर डोज ना पड़ो तेणु बुस्टर डोज ए स्थित में केत दूर संभव कारण देखते एबि शून रु जदि कह 14 वर्ष पिला वैक्सीन बाहरी ना आसी ना एवं तो आरंभ हो 15-18 वर्ष बयस मानने वर्गर लोकों पर पिला तो ये केत दूर पसबुल वैक्सीन एपर्त गोटे एज ग्रुप पर्यटन सीमित रही पुणी एथरे बूस्टर डोज सामना को आसुची तो केमिति पॉसिबल वैक्सीनेशन को केमिति त्वरान्वित ताले करा जाई परिबो वैक्सीनेशन तो कथा हैला कि आपण जो 6 मंथ वैलिडिटी की जोटा भी कोट वैक्सीन रो कथा हैला वैक्सीन आपण को कोविड रु मृत्यु कोविड रु हॉस्पिटल रे एडमिशन होबा कोविड रु अम्लजान रो दरकार होबा এই গুড়ারু আপনার ভ্যাকসিন টা সুরক্ষিত করে আপনার কোভিড র আক্রমণ হবার ঠু 100% ভ্যাকসিন আপনার বঞ্চাইব না কিন্তু মরিবা ঠারু হসপিটাল এডমিশন হবার ঠারু আমলাজান দরকার হবার ঠারু গুরুতর অবস্থায় হবার ঠারু আইসিইউ রে এডমিশন হবার ঠারু সেই গুড়ারু আপনার ভ্যাকসিন টা বঞ্চায় এবে রহিলা যে বুস্টার ডোজ গুড়া ଆପଣ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ଣ୍ଣାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ହୁଏତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଦରକାର ପଡିପାରେ ତ ଏଇଟା ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଏଇଟା ଉପରେ ଏବେ ବି ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର କି ଦୁଇ ବୁଷ୍ଟର କି କେତେ ଦିନ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ WHO ପକ୍ଷରୁ ଅଲରେଡି ମଧ୍ୟ କୁହାସାରିଛି କି ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏବେଠାରୁ ରୋକ ନ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ବେଶ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ ଯଦି ବି ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ଜା ଭଳିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ଜା 1918 ଯାଇ ମସିହା ଯାଇ ବହୁତ ସାରା ମହାମାରୀ ହେଇଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 15-20% ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଆମ ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ଜା ଅଛି ଯୋଉଟା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କମନ୍ ମାନେ ଯୋଉଟାରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି ମଝି ମଝିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯେମିତି H1N1 ବାହାରିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବାହାରିଲା ସେଗୁଡ଼ାରେ କି ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତି
ଏଇଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ଜାର କଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ଜାର ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଲା ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପାଇଁ। ତ ୟୁଏସ୍ଏ ହଉ କି ୟୁକେ ହଉ କି ୟୁରୋପ ହଉ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟାକୁ ଫ୍ଲୁ ସ୍ପଟ୍ସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ନିଅନ୍ତି। ତ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କୋଭିଡ୍ରେ ବି ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିବା ପଡିବ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା। ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଲା, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି କରୋନା ବା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପିକ୍କୁ ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜ୍ କେବେ ଆସିବ ତା କହିବନି, ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ହିଁ ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଶିଖରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କେତେ ହେବ ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଯାଇଛି କି ସେମିତି କି ପ୍ରଥମ ୱେଭ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କୁହନ୍ତୁ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମୟ ଆସିଛି କି ଆଉ ଥରେ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବା ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ 7-8 ଦିନ ହେଲା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଏବେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମିତ ଅଧିକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଡ଼୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତଥାପି ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଉଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏବେ କଟକଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉ ମୁମ୍ବାଇ ହେଉ ଏଭଳି ଜାଗାରେ କଟକଣା ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କହୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେବେ ଆସେ ଲହର, ତା'ର 15 ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲହର ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେବେ ଆସିଥିଲା ତା'ର 10-15 ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଲହର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ସିଚୁଏସନ୍କୁ କିଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନେଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକଣାକୁ ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଯେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଟକଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ, କଟକଣା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ସମୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯାଇପାରେ, ଏଭଳି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ବା ଏଭଳି କିଛି ସରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ କିଭଳି ଭାବରେ କଟକଣା ମାନିବେ ଏବଂ କଟକଣାରେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିର ହେଡ଼୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ସାଇ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଭଳି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ କହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅମାନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, 10% ଲୋକ ଅମାନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା 90% ଲୋକ ଆଜି ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଆସିଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କଟକଣା ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆଉ ବଢ଼ିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କଟକଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦନୀ ଆମ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡେଲ ଯାହା କହୁଛି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଇଏ ତ ସମାନ କଥା ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ସେଇ କଟକଣା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ କି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଇଏ ତ ଚାଲି ଆସିଛି ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେତେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କରୋନା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅନୁପାଳନ କରିବେ, ତା ଉପରେ କେମିତି ମାନେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଜେନେଟିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 2018ରେ ଆଉ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜେନେଟିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂକୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଜେନେଟିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସେଟା କଷ୍ଟରିଏଟ୍ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଥିରେ ଯେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ବୁଲାବୁଲି ଯାଉଛି ସେଠି ବି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିବା, କାରଣ ହେମୋକିଆଲି ହେଇକରି ଯଦି ମାନେ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ମାସ୍କ ମାନେ ପେପରରେ ରହୁଛି, ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେମୋକିଆଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ରୁଲ୍କୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ବହୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ 2-8 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 2-15 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟା ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ COVID-19ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ନାହିଁ ବା ଡେଫିନେଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେ।
जो जो कथा कहा जाउछि बा वर्तमान समय आसी कि नहीं पुणी थरे नियम को कड़ाकड़ी इम्प्लीमेंट करने को पड़ो ना अमान्य है माने जो परिस्थिति प्रथम वेव रे देखा मिलता जो भाई भाव में आशातीत भाव में ग्राफ बढ़ी कोरोनार से ही पुणी थे परिस्थिति सृष्टि होवार आशंका भी करते स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर साहब आप आसपा चाहिए कि बर्तमान जदिओ सरकार सब प्रकार प्रस्तुति कर आईसीयू कथ कहतु कि बेड कथ कहतु कि शय्या संख्या वृद्धि कराई कि चिंता होती कि फ्रंटलाइन वारियर अर्थात डॉक्टर्स मैंने जब आम कह विभिन्न जगार अधिक मात्रा संक्रमित होवार कथा सामना को आसुच्छी सो ये गोटे बड़ प्रेसर निश्चित भाव गोटे बड़ प्रेसर ठीक अच्छे जे डॉक्टर मान प्रेसर दे जाक डॉक्टर मैंने आक्रांत हो आइसोलेशन रोच जहाँ जुग जो बाकी डॉक्टर मैंने अच्छा कम प्रेसर पड़ी समस्ते पुणी चिंतित घर पर पिला छुआ बापा माँ कहीं गोटे डॉक्टर जदि रोगी है केवल रिस्क तो ताकि नुह रिस्क है ता पर रिस्क है तार मानते कलिग मान संगे कम कर तो यहाँ डेफिनेटली गोटे प्रेसर समस्त पड़ू कि प्रथम द्वितीय लहर में देखी डॉक्टर मैंने सैनिक मान कम बाहादुर ना तो से मैंने बहुत भल भाव मैनेज कर आशा कर पेशेंट मैंने भल से मैनेज करेंगे आओ जमी रोगी मान को किंतु कोविड गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करिबा बा लोक लोके आकु कड़ाकड़ी भाव में पालन करेंगे केमिति करा जाबो सेई तो सचेतनता करा जाउछि लोक एबे भी सचेतन होउनांदे तो केमिति केमिति पुणी थरे आकु रोक ए चेन को केमिति ब्रेक करा जाबो थर्ड वेव रे जोबले भाबरे ओमिक्रॉन क्षिप्र बेगर समस्त को वर्तमान माने कहबा गेले घरे घरे गोटे गोटे कोरोना पेशेंट मते देखिया को मिलछि तो आकु केमिति रोक लगा जाय पारिबो ए चेन को केमिति ब्रेक करा जाबो चेन को ब्रेक करबा पई गोटे तो है कोविड कटक द्वितीय कथा है टीकाकरण तृतीय कथा है अनेक एक्चुअली काम अच्छी प्रशासन रोक ये हाथ अच्छे गणमाध्यम रोटे बड़ भूमिका अच्छी गणमाध्यम द्वारा आपण मैंने निरंतर लोक मान सचेतन कर सचेतन रही तो ये सारा समाज विभिन्न अंगर गोटे गोटे बहुत अहम भूमिका अच्छे नेता हूँ कि पुलिस गणमाध्यम हो सांबादिक माने हूँ कमन पब्लिक हूँ गोटे साधारण मनुष्य भी जदि ता घर पाखे का देखुची से मास्क पिंधुनि से गोटे भद्र भाव में प्रोत्साहित कर तुम मास्क पिंधुब तुम बाहर सार्वजनिक जगह तुम चेप पक समस्त मिलमिशिक युद्ध टा लड़ा पड़ो कहीं कहीपरि ये सरकार काम ना ये डॉक्टर मान काम जे मोर ये किसी भूमिका ना यही युद्ध कोविड क्या छाड़बनी आम को भी समस्त गोटे छुआ पिलू नहीं कि वयस्क लोक जाए समस्त को मिलमिशिकी युद्ध कोविड को आम को मुकबिला आम जो एकाठी हवा निश्चित भाव में आम कोविड भी जय प्राप्त कर निति भाव में समस्ते जी आम यहाँ मिलित भाव में इसे मानते जी आम कह समस्त दायित्व कि भाव आम कोरोनार चेन को ब्रेक करवा जब आम निजे सचेतन नवा तो हूँ तो ये कोरोना संक्रमण को हजार नियम भी जब लग जाए तो हूँ तो कई ब्रेक करें ना कि आपको लगुच कि एवं केवल ये नाइट कर्फ्यूर समय बा अवधि को न बढ़ा जाए आउ किसी सप्ताह तो सटडाउन हो कि माने आउ किसी कटक लग जा आवश्यकता रही कारण सरकार जीवन एवं जीविका उभय को मध्य गुरुत्व दौंते 50% रे कर्मचारी चलुंट माने कहवाक गले मोर पर सब ओपन अच्छी कितु से तो चैलेंज बढ़ुच्छे कि केमी करोनार आम ये चेन को ब्रेक कर डॉक्टर साहब आप मत कौन रहा जीविका एबे आमे जेंती नाइट कर्फ्यूर कथा कहूँ अनेक विशेषज्ञ मत अच्छी नाइट कर्फ्यूर किसी भूमिका ना ये मुझे
ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଡ୍ କରିବି ଯେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ରାତି 9ଟାରେ କି 10ଟାରେ ଆପଣ କର୍ଫ୍ୟୁ ପଡିଲେ, ସେମିତି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାତିରେ ରାତିର ଅଧା ରାତିରେ ଯାହାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଟିକେ ବାହାର ସେ ତ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କଟକଣା ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଦୂରକୁ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ କରିବ କହିବ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ବାହାଘର କି ବ୍ରତଘର କଥା କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରତଘର ବାହାଘରରେ ରିସ୍କ କେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାସ୍କ ଖୋଲିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନିବାର କିଛି ମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଯୋଉ ଆମକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ କଟକଣା ରଖିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚେପ ପକେଇବେନି, ତ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପଡିବ। ଆମେ ପାନ ଚେପ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଇପାରିବାନି, ତାହା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ପୁରା ସେ ଏରିଆଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଏହା ଦ୍ଵାରା ରୋଗଟା ବ୍ୟାପୁଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ସରକାର ଯୋଉ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ ହବ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କି ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାହୁ, ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ରଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ। ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।